सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। यू आर वॉचिंग सोलो एडिट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। तो दोस्तों, आपने काफी ज्यादा फ्लैश इफेक्ट वाला वीडियो देखा होगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को कैपकट ऐप से बताने वाला हूँ कि कैसे इस फ्लैश इफेक्ट को अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में इस कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। सो दोस्तों, जैसे आपका कैपकट ऐप ओपन हो जाएगा तो आपको ऊपर में न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सिंपल इसे आपको इस न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ से वो वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिस पर आप इस तरीके का फ्लैश अप्लाई करने वाले हो। तो दोस्तों, मैं आपको ये वाला वीडियो चलाकर दिखा देता हूँ। इस पर कहीं भी अभी फ्लैश अप्लाई नहीं है, तो हम लोग इस पर फ्लैश अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। अभी दोस्तों, सबसे पहले आपको वीडियो के सबसे अंत में चले जाना है और यहाँ से इस वाटरमार्क को डिलीट कर देना है। दोस्तों, इस वाटरमार्क को याद से डिलीट कर देना, नहीं तो ये वीडियो के अंत तक चिपका ही रहेगा। तो दोस्तों, अभी आपको सिंपली से वहां से चले आना है जहां से आप इस तरीके का फ्लैश अप्लाई करने वाले हो। तो यहां से हम लोग इस वीडियो पर ये फ्लैश अप्लाई करने वाले हैं। तो सिंपली से यहां से आपको इस ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहां से इस ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, ऊपर में जो स्टॉक वीडियो दिख रहा होगा, ये वाला ऑप्शन आपको ऊपर में दिख रहा होगा, तो सिंपली से इस वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर से ये व्हाइट वाला शेप जो है, इसको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, इस पर एक बार टैप करोगे और नीचे ऐड वाला बटन आएगा, इस पर क्लिक कर देना, ये ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, आ जाने के बाद इसको लगभग अपने वीडियो में पूरे स्क्रीन में इसको अप्लाई कर लेना, अपने टू फिंगर की मदद से अपने पूरे स्क्रीन में इसको कवर कर लेना। दोस्तों, उतना कर लेने के बाद आपको इसको ड्यूरेशन को अपने एक सेकेंड या डेढ़ सेकेंड के आसपास रख सकते हो। दोस्तों, इतना ही में ये फ्लैश अच्छा लगेगा, एक या डेढ़ सेकेंड कर लेना। दोस्तों, इतना कर लेने के बाद आपको सिंपली से इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से इस आउट वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको फर्स्ट में ही ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, फीड आउट वाला ऑप्शन। तो दोस्तों, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और इसको लगभग अपने वीडियो के हिसाब से 0.5 या 6 इतना रख लेना है और उसके बाद आपको नीचे से डन कर देना है। दोस्तों, डन करने के बाद आपको देख रहा होगा फ्लैश में फेड आउट वाला इफेक्ट अप्लाई हो चुका है एनिमेशन। तो दोस्तों, उसके बाद आपको इस शेप पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से स्प्लाइस का ऑप्शन है, दोस्तों इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और इधर आपको करना है तो एक ओवरले वाला ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और उसके बाद नीचे से आपको डन कर देना है। दोस्तों, अभी देख सकते हो जैसे यहाँ ये वो फ्लैश जो है अप्लाई हो चुका है यहाँ। तो अभी आपको इस पर टैप कर लेना है एक बार। अब आप अपनी वीडियो में आपने जहाँ जहाँ ये फ्लैश लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इधर करना तो एक कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, इस कॉपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ये दो हो जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ से भी लगाना है वहाँ से इसको ले जाना है। तो दोस्तों, मैं इसको कॉपी कर करके अपने वीडियो में जहाँ जहाँ लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसको कॉपी करते करते अपने जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ जहाँ आपको फ्लैश लगाना है वहाँ वहाँ आप इसको कॉपी करके लगा सकते हो। तो दोस्तों, हमने इतना तक लगाया है और एक और लास्ट में लगा देता हूँ वीडियो के बिल्कुल अंत में, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं अभी आपको वीडियो चला कर दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये रहा ये एक फ्लैश और ये दूसरा फ्लैश और ये तीसरा फ्लैश। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने रील्स पर देखा ही होगा किसी न किसी के वीडियो में ये फ्लैश इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बिफोर यहाँ से देख सकते हो, इसमें वीडियो में लाइट कम है और यहाँ से मैं फ्लैश के पास ले गया तो लाइट ज़्यादा हो गया और उसके बाद फीड आउट से एनिमेशन आउट हो गया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देखने को मिल रहा है। और ये वाला इफेक्ट जो है इंस्टाग्राम के रील्स पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने इसीलिए आपको ये वाला इफेक्ट को अप्लाई करने का बताया। तो दोस्तों, अभी आपको ऊपर में जो निशान दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपकी वीडियो जो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना।